क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हमारे पास फोर्स है ए प्लस बी एक्स, ठीक। एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ए एंड बी कॉन्स्टेंट है और एक्स उसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट। मुझे निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट है एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू डी डी तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। फोर्स जो है यहां पे जो फोर्स है वो है इस तरफ ए प्लस बी एक्स, और किस तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स की, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे फोर्स को तो ये आई क्या ऐसा है ना, फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और पार्टिकल जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक। और ये लेट्स से इस चीज को मैं यहां पे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ओरिजिन, ये मेरा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का राइट की तरफ होता जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, चलता जा रहा है। अब तुम यहां पे देखोगे कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आई बात समझ। फोर्स हियर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स तो चेंज हो रहा है। एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब ये पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस, माने इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो पार्टिकल जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो फोर्स जो है इज नॉट कांस्टेंट, आई बात समझ। फोर्स जब कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले छोटा सा वर्क निकालते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, है ना, वेर डी आर इज माई इंफानेटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर लिखते हैं यहां, है ना। कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज है, यहां से लेके यहां तक का एक डिस्प्लेसमेंट लूंगा, है ना। मान लो ये ओरिजिन है, लेट से पार्टिकल कभी एक्स पे था, एक्स से बढ़ के एक्स प्लस डी एक्स पे चला गया पार्टिकल, है ना। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनिटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डी एक्स आई क्या हो जाएगा, क्या बोलो, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ये डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकता हूं मैं, डी एक्स आई कैप। हाँ सर। तो छोटा सा वर्क डन हो गया हमारे पास एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर कितना है, एफ कितना है, ए प्लस बी एक्स आई कैप डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स आई कैप, है ना। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा आ जाएगा क्या, ए डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, ये आएगा, बोलो सर। मुझे वो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप कैसा है वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, एक मिनट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये किस डायरेक्शन में, एक्स के, एक्स डायरेक्शन में, और कितना है वैल्यू, डीएक्स डीएक्स, तो क्या लिखोगे उसको, उस वेक्टर को क्या लिखोगे, ये वाला जो वेक्टर है क्या लिखोगे उसको, तो बस उतना स्मॉल पार्ट डीएक्स है ना, ए टू बी, अच्छा ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू आ गया हमारे पास ए डीएक्स प्लस बीएक्स डीएक्स। अब ये सारे छोटे छोटे वर्क्स को क्या करना है मुझे बताओ, टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को ऐड करना है, छोटे छोटे वर्क्स को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है ना। तो ए डी एक्स है ना प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है, कहां से कहां तक, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स जीरो है, फाइनल वैल्यू डी है। अब ये इंटीग्रेशन कर लेना, पहले वाले टर्म का क्या हो जाएगा ए डी, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा
एक्स डी एक्स है ना, जीरो से डी, ये हो जाएगा ए डी प्लस एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी प्लस बी डी स्क्वायर बाई टू है, समझ? बोलो, किसी को कुछ भी परेशानी?